एक जिक्र मैंने किया था कि अगर आप स्वस्तिका समीकरण दोनों पैरों को मुंह मोड़ करके रखेंगे और तब अगर आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो और अभी आपने क्या किया, दोनों आंखों को हम यहाँ बीच में ले आए और दोनों भावों के बीच में देखने का प्रयास किया। लेकिन जब हम उस आसन में बैठते हैं स्वस्तिकासन में, हम प्रयास करते हैं कि हम दोनों आंखों को एक्सट्रीम छोर तक ले जाएं, तो ये आंख भी यहाँ वाली वस्तु को देख रही है और ये आंख भी यहाँ वाली वस्तु को देख रही है। तो वस्तु क्या है, वो एक पर्दे की तरह ही होगा आपके सामने, मानो एक चादर तली हुई है मटमैले रंग की, और आप दोनों आंखों के कोने से उस चादर को थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा उधर देख, वो आपको धीरे धीरे महसूस होगा कि वो थोड़ी सी उसका थोड़ा सा विस्तार हो रहा है। तो आप ये जो दोनों आंखों से देख रहे हैं वो तो थोड़ा दूर होगा, थोड़ा मतलब जो चादर आपके सामने फैली दिख रही है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। फिर आप उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो थोड़ी सी उसको आप और विस्तार दे सकेंगे, फिर थोड़ा और विस्तार दे सकेंगे। तो इस तरह से वो यहाँ फैलता चला है। तो एक बार आपको वो करना है और एक बार आपको गहराई में देखना है। तो ये दो क्रियाएं हैं जो आपको, वैसे तो मुझे लगता है कि ये सेशन 5 दिन का पूरा नहीं है क्योंकि इसमें कई स्टेप्स हैं, लेकिन ये स्टेप ऐसी है, यहाँ तक मैंने आपको जो बताया है ये आप घर में भी कभी ध्यान करके इसमें प्रयास करना, कि एक स्टेप ये है कि आप बैठ करके दोनों तरफ से आंखों के कोने से आपको क्या दिख रहा है, जो चादर दिख रही है उसका विस्तार आप करें, और दूसरा ये कि आपकी गहराई में आप कहाँ तक देख पाते हैं उसको देखने का प्रयास करें। ये दोनों एक मतलब नॉट एग्जैक्टली अल्टरनेटिवली, लेकिन बीच में कभी ये किया कभी वो किया, दोनों प्रकार आपको करके देखते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जितना आप विस्तार देख पाएंगे उतना ही आप गहराई में भी देख पाएंगे, इसलिए ये दोनों आपको करते रहना है। तो हो सकता है कभी फिर हम इसी तरह से और 5 दिन या और कुछ दिनों का कोर्स करें, तो तब तक आप लोग शायद तैयार भी हो जाएं, जो लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं वो बढ़ेंगे। इसमें आगे कई और बातें हैं, लेकिन जब तक आप खुद करके उस एक लेवल तक नहीं पहुंचते तब तक आगे की बात करना मुझे लगता है कि उसका कोई अर्थ नहीं बनता है। जो अगर आपको बहुत किसी को बहुत अगर गहराई में इसको जानने की इच्छा है तो कई सारी पुस्तकें अवेलेबल हैं, लेकिन मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें गोरख योग ऐसा माना जाता है कि वो गोरखनाथ ने वो लिखा है, और वो अंग्रेजी अवधी भाषा में है, पहले तो उसको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये नाथ पंथियों के जो ग्रंथ हैं उसमें ऐसी कई छोटी छोटी ट्रिक्स बताई जाती है, और ज्ञानेश्वरी ने ज्ञानेश्वर ने एक ट्रिक ये बताई है कि जब आप थोड़ी सी अगली अवस्था में जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि आप इधर से विस्तार देखें गहराई को देखें, तीसरी अवस्था उसकी ये होती है जो आपको अभी नहीं करना है, इसको काफ़ी इस दोनों में माहिर होने के बाद ही करना है, तीसरी अवस्था वो होती है आपको लगता है कि आप पूरा सिमट रहे हैं, और पूरा सिमट करके आप छोटे 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 हो रहे हैं,
तो एक बिंदु की तरह आपको जानते हैं। तो एक तो ज्ञानेश्वर में, ज्ञानेश्वरी में ये वर्णन है। दूसरा वर्णन ये है कि एक आपके हृदय से और आपके ब्रह्मरंध इसको मिलाने वाली एक छोटी नाड़ी होती है जो कि आपके कंठ से होकर के सीधे ऊपर तक पहुँचती है। तो जो कुंडलिनी में जो षट चक्र बताते हैं, षट चक्रों पर वो ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं, उसकी अपेक्षा नाथ पंथियों के पास एक कोई दूसरी शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन वो वही लोग कर सकते हैं जो गुरु के पास जाकर के उसको वर्णन है उसका ज्ञानेश्वरी में। लेकिन ये भी है, उसके लिए संकेत भी है कि वो गुरु के पास से ही सीखना उचित है। लेकिन ये जो दूसरी स्टेज मैंने बताई कि आप धीरे धीरे आप सिमट जाएंगे, सिकुड़, आप अपने आप को सिमट सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं और आपको लगेगा कि आप छोटे 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 हो रहे हैं, ऊंचाई में आप कम हो रहे हैं, चौड़ाई में कम हो रहे हैं, तो सब तरह से आपको लगेगा कि आपका शरीर बिल्कुल छोटा होकर के आपकी आंखों के सामने आ रहा है। लेकिन संक्षेप से पहले आपको विस्तार में जाना है। तो एक ये दोनों आप पहले ध्यान की क्रिया में आप इसका प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद फिर आपको छोटे संक्षेप में जब जाने की बात आती है, लेकिन वो होता है कि आपको लगता है कि आप छोटे 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 हो रहे हैं। उस स्टेज तक मैं कर पाती हूँ ध्यान को, जो जैसा कि ज्ञानेश्वरी ने बताया है कि हृदय से आप सीधे, आपके हृदय का और दिमाग का सीधा कनेक्शन वो कैसे करते हैं, जबकि बहुत प्रतिभा उससे उत्पन्न होती है वगैरह वगैरह, वो कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है। तो कोई गुरु हो सकता है आपको पहले से जल्दी कोई मिल जाए, तो गुरु की खोज करें आप भी। और सबको बहुत बहुत शुभकामना और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जो भी कुछ मैं कह पाई अपनी तरफ से आपको थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा उसका लाभकारी लगा और लगा कि हाँ इसमें आप आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। सबको नमस्कार। और लोगों को
शिक्षा दे दी है कि क्या नया निकाल मैंने सुना है कि वो बस बैठ करके दो या तीन मिनट के अंदर कर लेते हैं। बेसिकली चाइनीज स्टाइल है, एक सिंगल स्ट्रोक वाटर कलर पेंटिंग। अब मैं दरखास्त करूंगा विजय जी से कि जो अभी कहना डिफिकल्ट है, नाथ संप्रदाय के जो माधवदास महाराज रह चुके हैं, उनका अनुग्रह प्राप्त किए हुए जो रेगुलर ध्यान करते हैं, घंटों तक करते हैं, तो वो थोड़ा सा हमारी मैडम के यहाँ जब भी वो ध्यान के लिए बैठे, ये हमारी पंडरपुर वाली अगरबत्ती लगा के ध्यान करें तो हमारी याद आती रहे। मैं सर्वांतर पे मी मैडम से आभार मानतो आणि ध्यानावस्थित विषय त्यांनी सांगितलेला आहे ते मला असं वाटतं ह्या यशदायी क्लबमध्ये पूरक आहे ते सगळं। कारण यशदायी क्लबमध्ये ज्यावेळेस आपण म्हणतो की ध्यान करताना प्रथम आपली शरीर स्वस्थ पाहिजे, शरीर स्वस्थ करण्याचं काम यशदायी योग क्लबमध्ये त्यांचे सर करतात, ज्याच्यामध्ये त्यांनी अजून एक आम्हाला सांगितलेलं आहे की एकावर एक फ्री। तर यशदायी योग क्लबवर काय फ्री मिळतं ते आजचा अनुभव आहे आम्हाला की आपण बहिर्मनातून अंतरंगात जातो त्याच्यामध्ये, आणि अंतरंगात गेल्यानंतर काय काय अनुभव येतात आपण आपल्यालाच बघतो। समर्थांनी सांगितलेलं आहे ऐक ऐकशिसा एकेची ज्ञान स्वयं तूचे आहेस ब्रह्म, तुम्हाला तुम्ही स्वतः कोण आहे याचा शोध घेण्यासाठीच ध्यान असतं। ज्यावेळेस आपण यांनी सांगितलेलं आहे की तुम्ही दूर दूर बघा, एक प्रकाश दिसेल बिंदू दिसेल, त्यावेळेस तुम्ही स्वतःला त्रयस दृष्टिकोनातून बघता आणि मग तो त्रयस दृष्टिकोन आहे तो तुम्ही आहे त्याचा आपण शोध घेतो आहे। नाथ संप्रदायामध्ये याचं ज्यावेळेस आपण ध्यान करतो आणि विचार जे आपले चालतात त्याच्यामध्ये एक श्लोक दिला आहे, विचाराचं गमनागमन आपण शून्य करायचं, गमागमस्तम गमनादि शून्य चित्रूप दीपम तिमिरापहारम। त्याच्या पुढेची स्टेज जी आहे ज्यावेळेस आपल्याला आपलं स्वरूप दिसतं, चित्रूप दीप दिसतं, पश्चामी ते रूपम जनांतरस्थम, तुम्हा सर्वांमध्ये तोच परमेश्वर अस्तित्वात आहे, याला म्हणतात नमामि हंसम परमात्म, असं नाथ संप्रदायात दिलेलं आहे। आमच्या योग साधनेमध्ये सोहम साधनेमध्ये सद्गुरूंनी म्हणजे सद्गुरू स्वामी माधवनाथांनी सांगितलेलं आहे तुम्हाला श्वासाने। आता हे आपण बऱ्याच वेळेस ध्यानाचे खूप प्रकार आहेत, आदिनाथांनी हे सुरू केलेलं आहे, जवळजवळ 109 प्रकारचं ध्यान केलं जातं, त्याच्यामध्ये हा प्रकार आहे की आपण मनाने आपल्याला बघणं। जसं आपण पंढरपूरच्या यात्रेमध्ये जातो आपण मानस यात्रा, आम्ही इथं मानस यात्रा करतो आणि मनाने इथून पंढरपूरला जातो, ज्यावेळेस आपण पांडुरंगाला बघतो तो डिस्टन्स असतं, आपण त्याला बघतोय तो जो आत्मा आहे त्याचं आपल्याला स्वरूप नंतर त्याच्यामध्ये दिसतंय। इथं यशदा योग क्लबचा फायदा एक झाला आहे की जे बाहेर पडणारं मन आहे ते अंतर्मनाकडे जाण्यासाठी हा एक मार्ग झालेला आहे, आणि एकावर एक फ्री जसं आहे तसं तुमचं आम्हाला एक ध्यानावरचं एक मार्गदर्शन आहे तर आम्हाला काहीतरी नवीन मिळाल्यासारखा आनंद आहे, त्याचा सुगंध आमच्याही मनामध्ये दरवळत राहील आणि तुमच्या जवळही सतत राहील। Yeah.
बटर